बाबा हैदर जमान के कैसी जानती है। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم النبي يا أيتها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم। जी कायदे तहरीक सुबह हज़ारा बाबा हैदर जमान की नमाज जनाजा अभी अदा कर दी गई है। बाबा हैदर जमान ने 1962 में अपनी सियासी सफ़र का जो है वो आगाज़ किया। 1997 में बाबा हैदर जमान MRD का हिस्सा बने, अमरीत के खिलाफ जदोजहद की। इस दौरान कायदे तहरीक सुबह हज़ारा बाबा हैदर जमान को कैद बंद की सुबह में बर्दाश्त करनी पड़ी। 1995 में गैर जमाती इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया, गैर जमाती बुनियादों पर जो इलेक्शन हुए उसमें आप MPA बने, आप उसके बाद वजारत का कलमदान भी आपको दिया गया। 1991 और 1993 के इंतखाबात में जो है बाबा हैदर जमान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। आप इसके अलावा चेयरमैन ज़िला कौंसिल रहे, जब इब्टाबाद और हरिपुर दोनों अजला को मिला के एक ज़िला था। इसके बाद आप मुशरफ दौर में 2002 के दो बलदियाती इंतखाब हुए, उसमें आप ज़िला नाज़िम मुंतखब हुए। बाबा हैदर जमान ने जो 12/4/2010 को खैबर पख्तूनख्वा सूबा का स्टार्ट का नाम जो है खैबर पख्तूनख्वा रखने के खिलाफ कायदे तहरीक सूबा हज़ारा बाबा हैदर जमान ने जो है वो तहरीक सूबा हज़ारा की बुनियाद रखी। इस दौरान तहरीक के अंदर एक बड़ी जान डाली और हज़ारा के जितने भी सियासी थे वो सारे के सारे बाबा हैदर जमान की क़यादत में मुतहद हुए। इस दौरान तहरीक की जदोजहद के दौरान जहाँ पे पुलिस रियासती दहशतगर्दी से 7 नौजवान शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी हुए और सुबह हज़ारा का पैगाम जो है वो दुनिया भर में जो है वो वहाँ पहुँचा और मशहूर हुआ। इसके साथ ही बाबा हैदर जमान ने जो है वो पहला इलेक्शन जो है वो 1962 में लड़ा था और आखिरी इंतखाबात जो था वो 2013 तक लड़ा। बाद हज़ार जो बड़े सियासी लीडर थे वो बाबा हैदर जमान को छोड़कर चले गए, लेकिन अकेले और तन तना बाबा हैदर जमान ने जो है वो सुबह का मिशन जो है वो जारी रखा और आखिरी वक्त तक उनकी यही ख्वाहिश थी कि सुबह हज़ारा जो है वो बन जाए और उसका क्याम हो जाए और उसके बाद जो है वो सुबह का हज़ारा का क्याम जो है वो हो जाए और उसके बाद बेशक वो इस दुनिया से चले जाएँ, लेकिन बाबा हैदर जमान का ये ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सका।